हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सो स्टूडेंट। जैसा कि आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का आपका जो सिलेबस है, आपके सिलेबस का निचोड़ करके मैंने आपके सिलेबस की जो एक से लेकर आठ तक की यूनिट है, तो आपके आठों यूनिट का निचोड़ करके मैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आपको पूरे 20 क्वेश्चन मैं बताऊंगी और वो 20 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेंगे तो बस यूँ समझ लीजिए कि आपकी एक से लेकर आठ यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी, अच्छे से तैयार हो जाएगी और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। टॉप लेवल का ये क्वेश्चन है, आपके सिलेबस का सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक कन्फ्यूज थे हमें कैसे अपनी तैयारी करना है अपने कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की, तो आज का वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि आज इस वीडियो को जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको तैयार करके आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कार्यालय हिंदी की संकल्पना और स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। कार्यालय हिंदी की संकल्पना और स्वरूप क्या है उनके बारे में स्पष्ट करना है। देखिए आपके यूनिट नंबर वन का ये क्वेश्चन है, तो जितने भी क्वेश्चन बताऊंगी आपके एक दो तीन चार करके पूरे एट यूनिट तक का होगा। और स्टूडेंट देखिए मैं आपकी एक और बात क्लियर कर दूं कि जो आपका कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर है बीए सेकेंड सेमेस्टर में, तो उसकी पूरी वन से लेकर एट तक की यूनिट पूरी नोट्स के साथ मैंने कंप्लीट करवा दी है बहुत अच्छे से समझा कर। तो आप उसके लिए मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट का नाम है बीए सेकेंड सेमेस्टर कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। तो उस प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे, आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं आज बता रही हूँ सभी क्वेश्चंस आपको मेरे चैनल पर इनके आंसर मिल जाएंगे, जिनको आप लोग तैयार कर लीजिए। समझ लीजिए कि आपके एग्जाम की 100% तैयारी हो जाएगी। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में कार्यालय हिंदी में किस प्रकार की संभावनाएं हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए तीसरा है, पारिभाषिक शब्दावली से क्या अभिप्राय है। पारिभाषिक शब्दावली से आप क्या समझते हैं या क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है, बात एक ही है। अर्थ एवं परिभाषा देते हुए पारिभाषिक शब्दावली के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। जितने भी प्रश्न बता रही हूँ ध्यान से सुनिए, सभी के उत्तर तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम में यही सारे प्रश्न आएंगे। उसके बाद देखिए चौथा है, कार्यालय पत्राचार किसे कहते हैं, इसके विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। देखिए ये सब मैंने करा दिया है। उसके बाद देखिए प्रेस विज्ञप्ति से आप क्या समझते हैं, इसको भी मैंने कराया है। उसके बाद देखिए नाच न आ जाने आंगन टेढ़ा प्रस्तुत लोकगीति का पल्लवन कीजिए। तो ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। सातवां प्रश्न है, प्रतिवेदन से क्या अभिप्राय है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ये भी स्टूडेंट्स मैं करवा चुकी हूँ और प्रतिवेदन वाला प्रश्न जरूर एग्जाम में आता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। उसके बाद देखिए आठवां है, प्रारूपण का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। मैंने पहले ही आपको कह दिया है जितने भी क्वेश्चन बताऊंगी हर एक का आंसर मैं करा चुकी हूँ। देखिए नौवां प्रश्न है, हिंदी में कंप्यूटर प्रशिक्षण की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। हिंदी में कंप्यूटर प्रशिक्षण की क्या अवधारणा है स्टूडेंट्स, तो ये सारे प्रश्न मैंने आपके करा चुके हैं। उसके बाद देखिए दसवां है, कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति बताते हुए कंप्यूटर का सामान्य परिचय दीजिए। टॉप लेवल का प्रश्न है, परीक्षा में आना ही आना है और इसका उत्तर भी आपको प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा मिल जाएगा। उसके बाद देखिए ग्यारहवां है, हिंदी की प्रमुख चार वेबसाइटों का परिचय दीजिए। हिंदी की वेबसाइट के बारे में जरूर आता है, तो वेबसाइट के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। उसके बाद है, हिंदी के विकास में इंटरनेट की क्या भूमिका है, सविस्तार लिखिए। हिंदी के विकास में इंटरनेट की भूमिका का टॉपिक जो है वो भी मैंने करा दिया है। उसके बाद देखिए तेरहवां है, ब्लॉग क्या होते हैं, ब्लॉग क्या है, ब्लॉग के ऊपर भी वीडियो मैंने बना दी है और इसके क्या क्या लाभ हैं, तो सब मैंने कराया है। और स्टूडेंट्स ये आपके आठवें यूनिट का निचोड़ है, आपने अगर इन प्रश्नों के उत्तर तैयार कर लिए फिर आपको एग्जाम में कोई फेल नहीं कर सकता, आपके पूरे पूरे मार्क्स हर प्रश्न पर मिलने ही मिलने हैं। उसके बाद देखिए अगला है, वर्तमान में ईमेल की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला है ई शिक्षण से आप क्या समझते हैं। ई शिक्षण की परिभाषा देते हुए स्वरूप स्पष्ट कीजिए। सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। उसके बाद है 16वां, देखिए इंटरनेट पर उपलब्ध दृश्य श्रव्य सामग्री पर एक विस्तृत लेख कीजिए। इसको भी मैंने करवा दिया है। उसके बाद देखिए ई पुस्तकालय व पॉडकास्ट इन दोनों पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। देखिए इसका आंसर भी यानी इसका टॉपिक भी मैंने करा दिया है। और देखिए जितने भी प्रश्न अभी तक आपको बताए मैंने सभी इम्पोर्टेंट हैं और आपको अपने हर एक प्रश्न का उत्तर मेरे चैनल पर मिलेगा। हर एक टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया है बहुत अच्छे से नोट्स के साथ समझाकर। तो एक बार आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर विजिट कीजिएगा। अब देखिए 18वां है हिंदी कंप्यूटर टंकर की अवधारणा पर विस्तार से प्रकाश डालिए। उसके बाद देखिए 19वां है सामान्य हिंदी तथा कार्यालय हिंदी में क्या क्या अंतर है। बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये समझ लीजिए कि आएगा ही कि कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी में क्या अंतर है। और ये भी आप चैनल पर विजिट कीजिएगा, मिल जाएगा। उसके बाद अधिसूचना से आप क्या समझते हैं ये भी मैंने करा दिया है। तो आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, आपको हर एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और इतने प्रश्न अगर आपने तैयार कर लिए तो फिर आपको कुछ और तैयार करने की जरूरत नहीं है। आप अपने कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।